अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं हूँ गुड़िया काशिफ और अपने चैनल गुड़िया काशिफ फूड एंड फैशन के साथ हाजिर हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं फ़ूड एंड फैशन, मैंने नाम तो रखा हुआ अपने चैनल का, लेकिन अभी सिर्फ फूड से रिलेटेड ही मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं तैयारी में लगी हुई हूँ आपके साथ फ़ैशन के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में भी अपनी वीडियोज़ ज़रूर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला, और आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत आसान सी रेसिपी, कुछ हटके है वही चीज़ ट्रेडिशनल जो हम घर में बनाते हैं, लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा हटके है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको मैंने ऐसे कप्स की सूरत में बांट लिया, वो ऐसे कि मैंने 2.5 कप जो है पतीली में डाले हैं और 1/2 कप जो है वो रख लिया है कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। तो आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड डिलाइट, बहुत मज़े का है, घरों में आम बनता है, दावतें वगैरह हों तब भी हम ज़रूर बनाते हैं, मीठे में तो हमें ज़रूर चाहिए होता है कोई ऐसा कस्टर्ड या खीर वगैरह कोई ऐसी चीज़। लेकिन ये कुछ थोड़ा सा अंदाज़ हटके है, तो ज़रूर अपने घर में आप भी ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले जो मैंने हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा कप दूध का लिया था ना, उसमें मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड के ऐड कर दिए, कस्टर्ड पाउडर के। तो उसका ये है कि इसमें 4 चम्मच आप 1 कप में जो है ना 1 चम्मच भर के ही ऐड करें, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी ये वाला जो कस्टर्ड है ना, आम जो हम कस्टर्ड्स बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है? तो 1 कप के लिहाज से आप 1 चम्मच भर के जो है ना वो वाला आपने कस्टर्ड का डालना, तो आपका बिल्कुल इस रेसिपी के लिए परफेक्ट कस्टर्ड बनेगा। तो ये मैंने ऐसे ही ठंडे दूध में मिक्स कर लिया था, कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिल्क है वो, और 5 चम्मच मैंने जो है इसमें चीनी के ऐड किए हैं। चीनी इसमें थोड़ी सी ये मैंने कम ऐड की है, क्योंकि हमने आगे जो क्रीम डालनी है ना उसमें भी चीनी ऐड होती है। थोड़ा सा मैंने कार्डियम पाउडर डाला है, यानी कि इलायची पाउडर। तो मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना, और मुसलसल विस्क की के साथ आपने ना इसको हलाते जाना है कस्टर्ड को, क्योंकि अगर आप इसको मुसलसल नहीं हलाएंगे तो लम्स बन जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी टिप भी है कि अगर आप चाहते हैं, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो कस्टर्ड या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, तो वो सबसे पहले ठंडे दूध में ही मिक्स कर लेते हैं, बाद में उसको आग के ऊपर रखते हैं और मुसलसल हलाई जाते हैं, उससे ये होता है कि लम्स वगैरह जो है ना बिल्कुल भी नहीं बनते। अब मेरा कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा बना था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। तो ये ऐसी बस इसकी आपने कंसिस्टेंसी बना लेनी है, ठीक है? कोई मसला नहीं है, अगर कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा भी बन जाता है तो आप दूध ऐड कर उसको मुसलसल हलाएं। तो कस्टर्ड मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, पानी एक परात में पानी रख के उसके ऊपर मैंने पतीली रख दी थी, उसको तो मैं आते जाते हला रही थी। अब हम बना रहे हैं जी अपनी व्हिप्ड क्रीम। अगर ये बहुत अच्छा हो कि अगर आप बेकरी से व्हिप्ड क्रीम ही ले लें, अगर आपके आपको व्हिप्ड क्रीम नहीं मिलती तो आप सादी जो क्रीम है ओलपर्स की ले लें, वो सबसे बेस्ट है। तो वो लेकर उसे अच्छी तरह ठंडा कर लें, और ठंडा करके तो आप उसमें बाद में आइसिंग शुगर और वगैरह ऐड करके, वनीला एसेंस ऐड करके वो भी बना सकते हैं, ठीक है? नीचे बर्फ़ ज़रूर रख लें। ये व्हिप्ड क्रीम मैंने अच्छे से चील करके रखी हुई थी, इसको मैंने बीटर की मदद से जो है इसको इतना ज़्यादा बीट किया कि ये बिल्कुल ऐसी हो गई कि नीचे ना गिरे, बहुत गाढ़ी सी आपने बना लेनी है, ठीक है? इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कोशिश यही करें कि आप बेकरी से, कोई अच्छे मॉल से, स्टोर से व्हिप्ड क्रीम ले लें। आम ये जो है अब आ गई हैं बेकरीज पे, तो ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है लेनी, ठीक है? तो ये देखिए जी, मेरे पास पाइपिंग बैग था, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप आम भी जो शॉपर है उसमें भी लेकर एक कॉर्नर से इसको थोड़ा सा काट के तो उसके साथ भी गार्निशिंग कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी औरतें हैं, घर में जुगाड़ वगैरह तो लगा ही लेते हैं, ठीक है? तो ये देखिए जी, मैं आपको जो आम जो दूसरी सादी क्रीम है उसके साथ भी व्हिप्ड क्रीम इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो भी वीडियो आपके साथ अपलोड कर दूंगी। तो ये मैंने ऐसे इसको पाइपिंग बैग में डाल के तो इसको एक साइड पर रख लिया है। अब ये मैंने बाज़ार से फ्रूट केक मंगवाया है, वैसे मैंने फ्रूट केक की रेसिपी आपके साथ पहले भी ऐड की हुई है, तो अगर आप चाहें तो आप वैसा भी बना सकते हैं, घर में भी फ्रूट केक बना सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैंने बाज़ार से मंगवाया, ऐसे मैंने ना ये जो ट्रे में है फ्रूट केक जो है वो बराबर तरीके से लगा दिया था। इसके ऊपर अब मैं जो मैंने कस्टर्ड तैयार किया था ना, ये आप ये देख लें
कि ठंडा हुआ हो, बिल्कुल नॉर्मल सा इसकी मतलब के हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, गर्म भी ना हो। तो ये ऐसे मैंने कस्टर्ड इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर मैंने कॉकटेल डाल दिए, आम बाज़ार से मिलते हैं। अगर आपके पास कॉकटेल नहीं है, आपके पास घर में कोई भी फल पड़ा है, केला पड़ा है, सेब पड़ा है, आम पड़े हैं, आप वो भी काट के इसके ऊपर लगा सकते हैं। कोई मसलन के इतना इशू नहीं है इस बात का। तो मेरे पास घर में आम पड़े थे, तो मैंने कटिंग करके वो भी थोड़े से साथ ऐड कर दिए कि चलें टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैंगो से मुझे याद है कि आपके साथ मैं मैंगो डिलाइट की भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला जल्द ही शेयर करूंगी। अब ये जो मेरे पास व्हिप क्रीम थी ना, ये मैंने इसकी कोटिंग कर दी है इसके ऊपर, ये कॉकटेल के ऊपर, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। जो बाज़ार से व्हिप क्रीम बनी बनाई मिलती है, ठीक है, बस उसको घर ला के बीट करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे इसके ऊपर कोटिंग कर दी थी। तो उसके बाद मैंने ना इसको चम्मच की मदद से ज़रा थोड़ा सा ना सीधा कर लिया था क्रीम को। इसके बाद हम एक कोटिंग और करेंगे, और आप यकीन करें कि ये आप घर में बनाएं, आपके कोई रिलेटिव्स आएँ उनके आगे रखें, यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट इसका बनता है। और आप एक बार बनाएंगे तो आप फिर इंशाल्लाह ताला हर दावत पे ऐसी ही कोई चीज़ बनाया करेंगे। मसलन के कस्टर्ड डिलाइट हो गया, मैंगो डिलाइट हो गया, चॉकलेट डिलाइट हो गया, कोई ऐसे हट हट के चीज़ें बनाया करें, ठीक है। तो ये अब जो बाकी का कस्टर्ड था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और उसको भी मैंने चम्मच की मदद से सीधा कर लिया। और ये जो मेरे पास व्हिप्ड क्रीम बची थी, तो मैंने सोचा चले ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर लेते हैं, तो ये मैंने ना थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग कर ली। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी अपनी बहन को भेजिएगा। और एंड वाला ये देखें, जो फूल है ना ये मुझसे ख़राब हो गया था। चलें कोई बात नहीं, ये अब साथ मेरे पास थोड़ा सा कॉकटेल बचा था, तो दरमियान में मैंने उसकी गार्निशिंग कर दी। तो ये देखें जी, कितना मज़े का हमारा कस्टर्ड डिलाइट बन गया। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए आपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, मतलब कि फ्रिज वाले खाने में, बर्फ़ वाले खाने में नहीं, फ्रिज वाले खाने में आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देना, ताकि नीचे जो इसका केक है ना वो भी अच्छे तरीके से ज़रा नरम सा हो जाए। और ये देखें, बहुत मज़े का तैयार हुआ था, मैंने खाया भी था और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।